हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का सेशन में आपको मैं बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। भारत में ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को उसकी ठीक से नॉलेज नहीं होने के कारण वो लोग ऐसा बोलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर आप नए हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो, तो आइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। असल में होता यह है कि यदि कोई बिजनेसमैन अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इंक्रीज एसेट्स करना चाहता है उसमें, तो उसको पूंजी की आवश्यकता होगी। और पूंजी के लिए वो क्या करता है, लोन लेता है। तो लोन लेने में क्या है, एक बड़ा अमाउंट जो है इंटरेस्ट के रूप में बैंक को पे करना पड़ता है। इससे काफ़ी लॉस भी हो सकता है, काफ़ी महंगा भी पड़ता है ये। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, मार्केट में अपना IPO लेके आती है। अब इससे होता क्या है कि शेयर होल्डर्स में कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेचते हो और शेयर होल्डर उसको खरीदते हैं, मतलब कंपनी का कुछ प्रतिशत मालिकाना हक प्रमोटर्स के पास रहता है जो कंपनी चलाते हैं, जो ऑपरेटर है, और बाकी का जो हिस्सा रहता है कुछ वो शेयर होल्डर्स में रहता है। जिस प्रकार जैसे हम हो गए, आप हो गए, अब हिस्सेदारी में हिस्सेदार होते हैं, भागीदार होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी हो गई, फॉरेनर इंस्टीट्यूट हो गए। इस प्रकार सारे शेयर होल्डर्स अपनी अपनी हिस्सेदारी शेयर को आपस में बाई करते हैं और सेल करते हैं, खरीदते बेचते हैं। ये प्रोसेस होती है ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर कौन, एंजल वन, अप स्टॉक्स, ग्रोथ, 5 पैसा, जीरोधा, एम स्टॉक, ये सारे ब्रोकर हैं। ये आपके लिए बायर और सेलर ढूंढने का काम करते हैं, ठीक है। भारत में शेयर मार्केट में लगभग 4000 से ज़्यादा कंपनियां जो है लिस्ट है, तो आप किसी भी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। तो यदि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉफिट आप भी बुक करते हैं, और यदि कंपनी लॉस में जा रही है तो उसका प्राइस गिरेगा, तो आपके आपका भी जो शेयर का पैसा वो गिरेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा या ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए कंपनी ऊपर नीचे हो रही है, आप जब तक लॉस या प्रॉफिट नहीं करते हैं जब तक आप उस शेयर को बेच नहीं देते। अगर आप शेयर को बेचते हो, अप की साइड है और बेचते हो, या फिर लोअर साइड है और आप बेचते हो, तो आप प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। जब तक आप शेयर को बेच नहीं देते जब तक आपका कोई प्रॉफिट या कोई लाभ नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, कोई लॉस नहीं होता। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना होगा, आपको रिसर्च करना होगा, आपको कंपनी को एनालाइज करना होगा कि कंपनी क्या पिछले 20-30 सालों से कितना परफॉर्म कर रही है, क्या है, या फिर उसने हर साल सालाना जो रिटर्न दिया है लोगों को, एवरेज रिटर्न अच्छा दिया है या एवरेज दिया है, ये आपको जांच करना है। और क्या कंपनी फ्यूचर में चल पाएगी, या फिर आपने जिस कंपनी को ट्रिक कराया उस कंपनी में जो उत्पादन होता है, क्या उस उत्पादन की आवश्यकता रहेगी फ्यूचर में या न रहेगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। आपको ये चीज़ें देखना है, और सस्ते दामों में खरीदना और महंगे दामों में बेचना, यही मार्केट का रूल है। इस प्रकार से मार्केट चलता है। ये लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहे अभी। इंट्राडे में डेली होता है, डेली आपको ट्रेड करना रहता है, डेली खरीदना और डेली बेचना पड़ता है। और यदि आप जॉब करते हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, आपके पास टाइम नहीं है एनालाइज करने का, आप ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड कंपनियाँ बहुत बेटर है। म्यूचुअल फंड क्या करती है, म्यूचुअल फंड भी वही काम करती है जो काम हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों का अपना एक ग्रुप बना हुआ रहता है, बहुत सारी कंपनियाँ रहती है उसमें, उसमें निवेश करती है आपका पैसा लेकर, और कुछ कमीशन करती है आपके एवरेज मार्जिन एवरेज में, और उसमें से आपको वापस रिटर्न देती है। तो ये काम अपन म्यूचुअल फंड पर भी वीडियो बनाएंगे, वो अगले सेशन में आपको बताएंगे, अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अब बात करते हैं क्राइसिस की, संकट की। अगर किसी समस्या से, जैसे वर्ल्ड वार है, इन्फेक्शन है, नेचुरल डिजास्टर, या आर्थिक मंदी, या अन्य फैक्टर की वजह से स्टॉक मार्केट में पैनिक, सनसनी या डिक्लाइन होता है, तो संभव है मार्केट की सारी कंपनियों के शेयर जो है उसका मूल्य गिरेगा, तो हो सकता है आपका भी उसमें। इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको अपने नीड्स और गोल्स का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने समय के लिए कर सकते हैं इन्वेस्ट, और कितना प्रॉफिट बुक करना है, ये सब आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। आपको अपनी सहनशीलता और प्रवृत्ति का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कितना लॉस बुक करने के लिए तैयार हैं, आप किस तरह कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आपको अपनी नॉलेज और एडवाइस का पता होना चाहिए, आपको किस प्रकार की एडवाइस और नॉलेज की ज़रूरत है, आपको सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी इसका नॉलेज होना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बुद्धिमानी का काम है, जिसमें आपको अपने कैपिटल को सही ढंग से मैनेज करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाकर हमें प्रॉफिट बुक करना है और कब स्क्वायर अप करना है, ठीक है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरता है तो जाहिर बात है स्टॉक मार्केट कंपनी में शेयर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, उस समय यदि आप अपने शेयर महंगे दामों में बेच देते हैं तो आप प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सिर्फ प्रॉफिट का साधन नहीं है, बल्कि इसमें जोखिम भी है, रिस्क भी है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का यही मानना है और ये कहना है कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपके प्रॉफिट बुक करने के चांस 60% है। उसको लेकर बड़े बड़े निवेशक 100% श्योर नहीं है, इसका मतलब रिस्क की भी काफ़ी हद तक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपने शायद सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में असल में क्या है और कैसे काम करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको लर्निंग करना, आपको सीखना है। आपको जब तक आप सीख नहीं पाओगे तब तक आप हमेशा लॉस बुक करोगे, आप नहीं कर पाओगे। धन्यवाद।